क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज है और पाकिस्तानी सियासत में एक बदलाव है, सियासत एक नया रुख इख्तियार कर रही है। और 2017 में जब नवाज शरीफ नाइल हुए, सेम उसी तरह की सूरत हाल जो है दोबारा क्रिएट हो रही है। 2020 है, 2020 गुजरा, 2021 है, और अब जो अपोजिशन जमाते हैं वो इस चीज़ का मुतालबा कर रही हैं कि फॉरेन फंडिंग जो केस है उसको, उसका फैसला जो है वो सुनाया जाए। तब जो था, तब इमरान खान एहतजाज करते थे कि पनामा लीक्स जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। पनामा लीक्स जो था वो बैरून मुल्क जो जायदादें जो बनाने के हवाले से एक स्कैंडल सामने आया था। लेकिन अब अपोजिशन का ये दावा है कि जो फॉरेन फंडिंग है इसके ज़रिए इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की पार्टी को फंडिंग की गई है, और इस फंडिंग के ज़रिए जो है वो जो है पाकिस्तान के इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ गया है। ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है। तहरीक इंसाफ ने भी धरना दिया था, तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म हाउस के सामने नहीं, डी चौक पर धरना दिया था। लेकिन आज पीडीएम जो एहतजाज करने जा रही है वो इलेक्शन कमीशन के सामने है और बिल्कुल वज़ीर आज़म हाउस के सामने है। एक वक्त था जब इमरान खान जो थे वो एहतजाज करते थे, वो आकर हुक्मरानों को लताड़ते थे, और आज सेम सिचुएशन उनके ख़िलाफ़ है कि अपोजिशन की जमातें वज़ीर आज़म हाउस के सामने आकर हुकूमत को लताड़ेंगी। और यह सिलसिला जो है ये एक मुकाफाती अमल है। तब इमरान खान के हाथ में एक अंगूठी होती थी, आज बहुत ज़्यादा वायरल है, मरियम नवाज के हाथों में एक ग्लास है। तो इस तरह की सिचुएशन है, जो सियासत जो है चंद ही सालों बाद इस तरह की करवट सियासत ने ले ली है।